लगातार सर्दी बढ़ने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं की फसल में जहां पर सर्दी अमृत का काम करती है, वहीं अन्य फसलों के लिए सर्दी कई बार नुकसानदायक भी साबित होती है। खेतों में काम कर रहे किसानों ने बताया कि सर्दी बढ़ने से गेहूं की फसल में अच्छा फायदा होने की उम्मीद है, तो वहीं अन्य फसलों में ज्यादा सर्दी होने से नुकसान भी हो सकता है। किसानों का कहना है कि आलू और सब्जियों की फसलों में जहां ज्यादा सर्दी पड़ने से नुकसान की संभावना बनी रहती है, तो वहीं सरसों की फसल में भी ज्यादा सर्दी नुकसानदायक होती है। लेकिन सर्दी के कारण ही गेहूं की फसल अच्छी होती है और सर्दी पड़ने से उन्हें उम्मीद है कि गेहूं की फसल काफी अच्छी होगी। ठीक, चल अब गेहूं की चल रही है, आलू की चल रही है, गेहूं के लिए फायदा मिलेगा, ये आलू के लिए, सरसों के लिए, टमाटर के लिए, इनके लिए नुकसानदायक। इसमें गेहूं में तो बढ़िया फायदा मिलेगा, गेहूं की फसल तो अच्छी रहेगी, बाकी तो और सब्जी वगैरह अपनी सरसों वरसों है उसमें थोड़ा नुकसान रहेगा। यहाँ पे ज्यादातर गेहूं की फसल के बारे में ही ज्यादा बताया गया, बदलाव मेरा इससे गेहूं की फसल में कम से कम 70% वृद्धि होगी, इसमें हमारे लिए ज्यादा 60% फायदा है, 40% का नुकसान है।